सेवानिवृत्त जिला जज छविलाल पटेल के अध्यक्षता में बने क्वांटिफाइबल डेटा आयोग हर राज्य सरकार ला अपन रिपोर्ट सौंप दिन हवे आयोग हर सर्वेक्षण में पाइस के प्रदेश भर में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के आबादी एक चालीस प्रतिशत हवे तो वहीं सामान्य वर्ग के गरीब मन के कुल संख्या के आबादी के तीन प्रतिशत तक पाएगी ही जनगणना में ओबीसी के अलग अलग वर्गीकरण नहीं होए ले संख्या अभी भी अनुमान के ऊपर मां आधारित रही से मानी जाती कि प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी हर बावन से चौवन प्रतिशत तक हावे सरकार हा अब आयोग के रिपोर्ट के तथ्य सार्वजनिक नहीं करे हावे प्रशासनिक सूत्र मन के कहना हावे कि छत्तीसगढ़ के आबादी हा दो करोड़ चौरानबे लाख अनुमानित हवा पाछ दो साल तक ले एप वेबसाइट के माध्यम ले सर्वेक्षण के बाद क्वान्टिफाइबल डाटा आयोग हर एक करोड़ बीस लाख ले कुछ ज्यादा लोगन मन के आंकड़ा ला जुटाए पाए सफलता हासिल करी से ये लोगन मन अन्य पिछड़ा वर्ग मा शामिल जाति मा थी केवल एक चालीस प्रतिशत होते बताए जाते दुर्ग जिला के, के ग्रामीण क्षेत्र मा सर्वाधिक बहत्तर प्रतिशत आबादी पिछड़ा वर्ग के हरे अब बात करबो ये मामला मा हमार प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के का कहना हवा है वो मन नहीं है की डाटा मा जे रिपोर्ट सौंपे गए है ओकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वागत करीन हावे और साथे साथ ही साथ उमन हा यहू कहीन है कि पूरा ईमानदारी के संग मा ए डेटा के ऊपर मा काम करे जही और साथे साथ, के के साथ ही साथ ए मामला ला लेके एक बार फिर भूपेश बघेल हर भाजपा के ऊपर मा निशाना साधिस हावे ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 24 सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ क्वांटिफाइबल डाटा के लिए कमीशन बनाया उसकी रिपोर्ट लगातार हमने देखे अधिकारी लोग उसको देख रहे हैं तो उस पर शक नहीं करना चाहिए ये उनकी तरह हम लोग नहीं कर रहे हैं कि चुनाव समय राशन कार्ड बनाओ और चुनाव के बाद राशन कार्ड काटो ये काम नहीं हुआ हमने राशन कार्ड बनाया वो आज तक चल रहा है उसमें कहीं कोई शिकायत नहीं मिली है इनके कार्यकाल में सब कुछ हुआ है और क्वान्टिफाइवर डाटा है वो बहुत प्रमाणिक रहेगा सारी जानकारी वो तथ्य के हिसाब से लाए जाएंगे और जब हाँ से हम बात उठेगी तो। जय जोहार आप मन के पांच के पंचायती में आप जम्मू दर्शक मन के स्वागत है और मैं हूं आप मन के साथ में अंबिका और आज पांच के पंचायती में आज हमारे पंचायती के मुद्दा हवा क्वांटिफाइबल डाटा आयोग जी रिपोर्ट सौंपे है जेमा ओबीसी वर्ग के बात आहे और आप बता दें कि जब ले राज्य सरकार है छविलाल पटेल के अध्यक्ष में बने आयोग बना रही से जैमान अब राज्य सरकार ला रिपोर्ट सौंप दिन हावे और जेमा एक चालीस प्रतिशत जो है वो बी सी समाज हायमा दिखा थे लेकिन फिर समाज के लोगन मन के कहना ये हरा है कि अवैया समय में ये डाटा हा गलत हावे काबर की ओ बी सी समाज के मानना हवे के ये डाटा हा पचास से पचपन प्रतिशत के बीच में ही और आज ही पंचायती ला ले के हमार साथ हमारे स्टूडियो में पहुना मन जुड़े हावे आप मन बता दें कि सामाजिक नेता के रूप में साथ, हाँ साथ में जुड़े हावे शांतनु साहू जी आप मन साथ में जुड़े पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के प्रवक्ता साथ साथ हाँ साथ साथ में में ए दास जुड़े हावे ही भाजपा के पक्ष रखैया जिला अध्यक्ष रायपुर सुनील चौधरी गलोक में पहुनाई करे बार हाँ और आज हम ये मुद्दा में बात करबो जैसे कि हम जानत हवन कि ओबीसी आरक्षण के जो मामला हरे और साथ ही साथ जो क्वान्टिफाइबल डाटा के जो मामला हरे उमा जो है अब आयोग ला रिपोर्ट सौंप दे गए है फिर समाज कहना ही हर है कि ये प्रतिशत था ज्यादा जा सके थे पूछना चाहबो शांतनु साहू जी ले कि आप मन काबर रखते कि जो आयोग से जो डेटा मिले है कहूँ संशोधन की जरूरत थी शांतनु जी देखिए मैं बताऊं आप मरला ये तीन साल पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है घोषणा कर रही से सत्ताइस परसेंट आरक्षण के पंद्रह अगस्त दो हजार उन्नीस के और घोषणा के बाद ओ बी सी वर्ग अगला लाभ तो नहीं मिली सकर लेकिन घोषणा के बाद कुछ मन जाके में कांग्रेस के कार्यकर्ता मन भी भिरी से जाके वहाँ स्टे ले आईन आरक्षण के विरोध में तो स्टे लाए के बाद जो कोर्ट ह निर्देशित करीस न्यायालय है हाई कोर्ट है कि का आधार पे आप सत्ताईस परसेंट के आरक्षण दे करके सरकार से पूछीस तो सरकार ला क्वांटिफाइबल डाटा ऐप के गठन करना पड़ी और गठन करके तीन साल हो गए अभी उसके प्रतिवेदन सौंपे है सरकार ला और मैं समझता हूँ कि सरकार के जो भूमिका एम न्यायोचित नहीं रहे है ओ तो सी समाज के प्रति काबर नहीं रहे है कि एक बारे में जो एमन जातिवार आंकड़ा इकट्ठा करे है ये पंचानवे जाति समूह प्रदेश में निवासरत है थे पिछड़ा वर्ग के और जो पंचानवे जाति समूह के मतलब जातिवार जो है जनगणना करना रही से जनगणना करके ओकर डाटा ला इकट्ठा करना रही से और देना रही से लेकिन मन का आधार बना है राशन कार्ड ला व्यक्तिगत जैसे आपके वो आधार कार्ड वगैरह हुई एला व्यक्तिगत लेके आधार बना के मन एकर वो करे है डाटा इकट्ठा करे है बी के तो सरकार प्रचार प्रसार तो करे नहीं प्रचार प्रसार भी करना रही से अगर आपके मनसा रही से ओबीसी वर्ग 27 प्रतिशत आरक्षण लाभ देके तो प्रचार प्रसार भी अच्छा से करे नगरी क्षेत्र में तो आज भी कई व्यक्ति मन उदासी ने मन कराएच नहीं अपन डाटा ले जो सरकारी मतलब जेकर राशन कार्ड बने हैं वो जो आधार कार्ड के हिसाब से जेकर डाटा हो एंट्री हो गए वही हो है ज्यादातर और कुछ मन करा हुई कुछ मन में तो ये सॉफ्टवेयर में भी प्रॉब्लम रही हो पाए तो ये मानना है, होती है। आप देखो मैदानी क्षेत्र में जो जनसंख्या करबो बो जी आप मन ला जैसे कि आप मन कहा था कि कही न कहीं ना कहीं ये सरकार उदासीन रही से ये आरक्षण सर्वेक्षण करवाए तो एदास जी मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूं कि का जो शांतनु साहू जी है जो बोला थे वो कहाँ तक ले सत्य मान तो कहा कि आपके सरकार है तो बोली से के जे प्रकार से माँ ईमानदारी के साथ माँ ये सर्वेक्षण कराए गए है तो आप ला का कहना है माँ मोर ये कहना है कि हमार सरकार जब ले छत्तीसगढ़ में बने हैं तब ले हर वर्ग के ध्यान देवत है ओकर अलावा हमार खुद मुख्यमंत्री है पिछड़ा वर्ग से आते तो सबो अपन कर्तव्य निभाए के साथ साथ अपन जिन जिन वर्ग के वो हर आदमी है पिछड़ा वर्ग के और आज मुख्यमंत्री को दायित्व मिले है तो हिसाब से वो ईमानदारी से अपन काम ला करते थे और सत्ताईस परसेंट की वो हद दे चुके रही से लेकिन अब कोई ना कोई हमारे भाई ला कोई आपत्ति हो इस तकलीफ हो सब न्यायालय के शरण में चल दीस और न्यायालय के शरण में जाते तो आप लग पता है कि मामला में अड़ंगा आ जाते फिर भी आज हमारे प्रदेश के मुखिया बहुत चिंतित है कि हमला पिछड़ा वर्ग वाला लाभ कैसे पहुंचाना है जैसे कॉन्ट्रील डाटा कर संबंध में अधिकारी मतलब निर्देश दे है कि कर तत्काल निराकरण कराओ और बहुत जल्दी मंत्रिमंडल में कैबिनेट के प्रस्ताव में पास हो ही और पिछड़ा वर्ग के जिन मांग है और जिन व उद्धार हो सके ज्यादा से ज़्यादा ये उपाय माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी करा थे हमारे पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष चलेश्वर चंद्राकर जी भी इमा लगे हुए है कि हमारा वर्ग अ पिछड़ा वर्ग जिन समाज है ला ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलाए एक पूरा सरकार ईमानदारी से कार्य करत हैं। तो जैसे कि अभी ये बात आ है कि क्वान्टिफाइबल डाटा में आरक्षण आर जो है ओबीसी समाज के एक चालीस प्रतिशत दिखा था

जातिवार जैसे जैसे जनगणना होते वो हिसाब से सर्वेक्षण करवाना जैसे तो जो एथेंट, एथेंटिक डाटा हवा वो समाज ओ समाज के आतीस लेकिन सरकार ऐसे लगी कि सरकार के मनसा नहीं है लाभ देख के ऐसे महसूस जैसे प्रतीत होते ये सब करे से काबर लगातार जैसे अब क्वांटिफाइबल डाटा आयोग है, है जिला जिला मन में दौरा करीस दौरा करीस तो पेपर बस में छप गए कि ये आज ये दौरा है और कुछ मतलब सूचना मिल गया तो कुछ मतलब ला सूचना मिले से पूरा समाज लाकर सूचना मिल जाए ऐसा संभव नहीं है तो एक प्रचार प्रसार जैसे कई सारा हमन प्रचार प्रसार कर कई सारा कार्य पर सामाजिक कार्य पर या राजनीतिक कुछ कार्यक्रम पर तो वो एक प्रचार प्रसार भी जागरूकता के नाम से करना रही से तेमा डाटा जो निश्चित रूप से 50 से 55 परसेंट आती आप मैदानी क्षेत्र में देखो कि हर जिला में आंकड़ा जो है पचास से पचपन परसेंट के बीच है ओबीसी समाज के सरगुजा संभाग ला छोड़ दो सरगुजा में पैंतीस से चालीस परसेंट हो ही और बस्तर संभाग में हुई आपके पच्चीस से तीस परसेंट तीस परसेंट के लगभग बस्तर संभाग में भी ओबीसी समाज की संख्या है तो सरकार अगर थोड़ा सा वो ध्यान दे के करती है, तो ओबीसी समाज में निश्चित रूप से सत्ताईस परसेंट के आरक्षण के लाभ पहली मिल जाए होती और ये स्थिति नहीं होती और चालीस परसेंट के आंकड़ा ये सही नहीं है यह फिर से सर्वेक्षण होना चाहिए अभी तो जनगणना भी होना है 2023 में केंद्र सरकार जनगणना कराही हर राज्य में और पूरा देश में तो कर लाभ जो है देखो आप आंकड़ा निश्चित रूप से 50 से पचपन परसेंट आई ओ बी सी समाज के ऐसे हमारे समाज के नेता के कहना ही हर है कि प्रचार प्रसार नहीं करी से सरकार है मैं आपमन का कहना चाहो सरकार तो भरपूर प्रचार प्रसार करे है कल राजनांदगांव में साहू समाज के जिला साहू संघ के शपथ ग्रहण समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे रहीस और आप लोग पता है साहू समाज के छत्तीसगढ़ में संख्या भी विशाल है तो प्रदेश अध्यक्ष राम साहू जी है ये मुद्दा ला उठाई कि हमला जातिगत जनगणना की मांग हम माननीय मुख्यमंत्री से करा थन माननीय मुख्यमंत्री जी मन से कहीस कि बिल्कुल हम हमू चाहत थे ये बात ला कि जातिगत जनगणना हुआ और जरूरत पड़ी तो हमार प्रदेश अध्यक्ष कहना रही थे कि हम हाँ दिल्ली तक जाबो तो ऊ में किस की मुख्यमंत्री जी हैं कि आप जरूर जाये पड़ी दिल्ली तक मैं जाना था मरंगा हमार से भी आते थे ले आप दिल्ली तक जाये पड़ी तो सबो आदमी पिछड़ा वर्ग के मिल के यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पिछड़ा वर्ग के लिए मिलाए और हर प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी तो लगे हुए हैं काबर की मैं आप लग बोल चुके हूँ बता चुके हूँ कि वो पिछड़ा वर्ग से ही आते तो जैन वर्ग से आते उत्थान चाहते दायित्व तो है सब वर्ग के साथ ध्यान देना लेकिन जैन वर्ग में आए हैं जैन वर्ग के वह आदमी है निश्चित रूप से वोकर पूरा ध्यान देवा थे और निश्चित रूप से एक बहुत जल्दी मंत्रिमंडल में एकर हो जे प्रस्ताव और बहुत जल्दी सार्थक निर्णय आई जनहित में पिछड़ा वर्ग के हित में पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए उत्थान के लिए ये अल्लाह पूरा भरोसा है और भूपेश बघेल जी हजन हाँ करा थे पिछड़ा वर्ग के हित में सब वर्ग का ध्यान करते हुए ये बहुत उचित है जैसे कि आप मल्लामन बता दें कि सरकार ला जो रिपोर्ट गए है ओला अवैया 24 नवंबर के प्रस्तावित राज्य के कैबिनेट बैठक में चर्चा में लाए जाइए और साथ ही साथ जब वहाँ ले मंजूरी मिल जाई तब ला विधानसभा के पटल में घलो रखे जाइए ये कहना हवे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के फिर मैं जो आपसे ये जानना चाहूँ कि जैसे कि दो बार एक कर सर्वेक्षण कराएगी इसे और सर्वेक्षण के बाद में जो आंकड़ा के जो अंतर है इसे कुछ खास नहीं रही से लेकिन फिर भी आप मन कौन से ऐसे आप मन के पास जो उदाहरण हे जिमें आप मन कही सका था कि आप मन के जो प्रतिशत है वो ज्यादा है एक चालीस से ज्यादा हो सका था इसे कहा बार आप मना लगते हैं ये जो सर्वेक्षण हो है वो बताए ना पहले भी आप मतलब कि जागरूकता के अभाव के कारण ये जो संख्या नहीं बढ़ पा है कई आदमी मन उमा अपन डाटा एंट्री करा ही नहीं पाए आधार कार्ड ला आप, आधार बनाए हो जरूरी नहीं है कि सबके आधार कार्ड बने हो क्योंकि कोई घर में रहने वाले जो घर से नहीं निकले होकर मन के आधार कार्ड कहाँ बने बुजुर्ग हैं मान लो कुलर कामें नहीं है आधार कार्ड के वो बने भी नहीं हुई और राशन कार्ड भी सबके नहीं बने हैं आप देखो कि जे मन राशन कार्ड वही आदमी मन बनाते जे मन लाभ लेते राशन दुकान में जाके राशन के या और अन्य कुछ लाभ लेना चाहते ऐसा मन बनाते कई जन तो बना भी नहीं मोरे अब राशन कार्ड नहीं बने रही अभी मैं बनवाए तीन चार साल पहली वो पहली मोर राशन कार्ड ही नहीं रही तो ऐसा कई व्यक्ति हो सकते हजारों की संख्या लाखों की संख्या में तो अगर प्रचार प्रसार अच्छा से करती है, सरकार है स्थानीय प्रशासन है निगम प्रशासन है प्रशासन के माध्यम से तो कर जो निश्चित रूप से डाटा जो है मुला लगते है कि हमन पहली भी एक बोला था था कि बावन प्रतिशत की आबादी हवे ओबीसी वर्ग के प्रदेश में ओ बाहुल्य प्रदेश हवे ऐसा हम अपन भाषण में भी के थन और आंकड़ा भी हवे है पास पुराना उमा भी आप देखो कि बावन प्रतिशत की आबादी करीब करीब हवा है मैं तो अनुमान आप लोग बता दो पचास से पचपन प्रतिशत एक दो परसेंट आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन एक चालीस परसेंट संभव नहीं एला फिर से जैसे जातिवार जनगणना के माध्यम से ये सर्वेक्षण हो तो एक लाभ जो है पूरा ओबीसी समाज ला अधिक से अधिक मिल पाही और आरक्षण के जो लाभ है जैसे अभी विशेष सत्र बुलाए जाते सरकार द्वारा एक दो दिसंबर के आदिवासी वर्ग के जो आरक्षण कोर्ट के जो संवैधानिक बाध्यता है पचास प्रतिशत के अंदर रखना है तेकर वर्जी में आदिवासी समाज के जो आरक्षण है बीस प्रतिशत हो गए बत्तीस परसेंट तो सरकार घबरा गए है ओकर बर लाए लेकिन ओ समाज ऐसा कुछ करे नहीं है उमन तो चक्कर जाम भी कर रहे थे ओ बी समाज ला भी इस बारे में जागरूक होना चाहिए और जागरूक होके ऐसा अपन अधिकार पर मांगना चाहिए सरकार से जो सत्ताईस प्रतिशत के आरक्षण मन में देखू तमिलनाडु कर्नाटका में की बाध्यता वहां पे नहीं है उमन विशेष इसने एक कहना चाहिए कि विशेष वो लाके एक क्या कहना चाहिए एक संवैधानिक भाषा है एक बिल ला के ये आरक्षण की सुविधा लाभ देवत है ओबीसी समाज ला पचास प्रतिशत तक के भी उमन आरक्षण देवत है

भाजपा के कहना हवा है कि ये जो आरक्षण जो निकले हवा या फिर जो सर्वेक्षण करा गए ते सरासर गलत हवा अब एमा आपके आप मन के का कहना हावे जैसे कि पहली भी शांतनु साहू जी कह चुके हैं कि प्रचार प्रसार के अभाव में लोगन मल्ला एक जानकारी नहीं मिल पाई से तो अभी भी पोर्टल खुले हवा है और एमा जैसे अब है तो आपके सरकार के द्वारा इसे का जतन किए जेमा एक बार फिर से ओबीसी वर्ग के सर्वेक्षण करे जा सके आप मन निश्चित रूप से देखा था कि हमारे पंद्रह साल से डॉक्टर साहब जी हम मुख्यमंत्री रहीस और चौदह परसेंट पिछड़ा वर्ग आरक्षण मिले रहीस जैसे हमर कांग्रेस से सरकार बनीस तत्काल वाला सत्ताईस परसेंट कर दीस कानूनी बाध्यता के नाम से वो अड़चन आ गई अगर कानूनी बाध्यता में अड़चन नहीं आतीस तो आज पिछड़ा वर्ग वाला वह लाभ मिले रही थी अब अड़चन आ गए एकड़ थी एक क्वालिफाइन डाटा जिन आए है हिसाब से निश्चित रूप से हमारा कैबिनेट में बहुत जल्दी एकर पिछड़ वर्ग के उत्थान के लिए प्रस्ताव पास हो जाए और ज़्यादा दिन के समय नहीं है आप लोग पंद्रह दिन के अंदर एक लाभ दिखे शुरू हो जाए हमारे जन पिछड़ा वर्ग आयोग के जन अपन अध्यक्ष है चौलेश्वर डॉक्टर चौलेवर चंद्राकर जी वो हर पूरा प्रदेश में पिछड़ा वर्ग जगा के काम करते थे पिछड़ा वर्ग के अधिकार बता के काम करते थे वो हर जगह जाके पिछड़ा वर्ग के, के जतका भी ओकर अधिकार है जतका भी ओकर जायज मांग है वो अलग जगह प्रयास है और शासन कोई कमी कोई कसर नहीं रखे है निश्चित रूप से कर छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग का लाभ मिल ही और जिन सांतनु भैया जिन बात कहा थे प्रचार प्रसार में कमी है करके तो कमी तो नहीं है फिर भी हम और का करे जा सकते एक बारे में आ, चर्चा करबो हमार डॉक्टर चलेश्वर चंदाकर जी प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा के भाग से और माननीय मुख्यमंत्री तक भी हम अपन बात ल पहुँचाबो ताकि भैया के जन कहना है शांतनु भैया के कि प्रचार प्रसार में कमी है कमी बिल्कुल नहीं है फिर भी हम लाओ और प्रयास करबो ज्यादा से ज़्यादा प्रचार करें के शांतनु जी आपमन का कहना चाहो और साथ ही साथ आप अपन वर्ग ला लेके आप मन का संदेश आप मन देना चाहते हो इस सर्वेक्षण ला लेके मोर यही कहना है कि ये जो आंकड़ा है सही नहीं है और एक से नुकसान हुई ओ बी सी वर्गला तो एला अभी पटल में ना रखा जाए मोर हिसाब से विधानसभा के इकचालीस परसेंट के हिसाब से फिर सत्ताईस परसेंट या तो आरक्षण मिले अगर रखा थे तो सत्ताईस परसेंट के आरक्षण के लाभ ओ बी सी वर्गला मिलना चाहिए या ऐसे है कि इकचालीस परसेंट के ओकर आधा कर दें बीस परसेंट ऐसे नहीं होना चाहिए तो मोर यही कहना है कि सत्ताईस परसेंट के आरक्षण के लाभ जो मुख्यमंत्री जी घोषणा करे रही से दो हज़ार उन्नीस में और जर कारण क्वांटिफाइबल डाटा योग बने रही से और जाति बार जो है संख्या हुई से सर्वेक्षण ओकर आधार पे जो 27 परसेंट के घोषणा हुई वो 27 परसेंट के लाभ ओ बी सी समाज ला मिले मूर ये कहना है और जो जैसे मन विशेष सत्र बुलाते तो ये एक बार भी आरक्षण पर ओबीसी समाज के एक बार भी कुछ सोचना चाहिए सरकार लाला लाभ दिलाने के प्रयास करना चाहिए और जैसे कि प्रचार प्रसार अगर सरकार करा थे तो कई लोग ऐसे भी होते कि आप मन के वर्ग के लोगन मन हा खुद से चल के सामने नहीं आवा तो ऐसा लोगन मन ला ऐसा वर्ग ला आपका संदेश दू ताकि उखर जो सर्वेक्षण हो सही ढंग से हो पाए एक यही रास्ता है कि घर घर जाके सर्वेक्षण जाति बार ये होना चाहिए जातिगत जनगणना ओकर बिना ये संभव नहीं है और वाकई में कई आदमी इसे व्यस्तता है या जागरूक नहीं है अपन अधिकार के प्रति वो नहीं चाहे कि कई जन की अपन मन ये सब करा लें और वो एक अनभिज्ञ भी रित है कई जन अब जैसे निचले तबका के हैं मजदूर वर्ग या कामकाजी वो तो समय नहीं रहे जेकर पास वो ये सब चीज़ से बोला कोई ज़्यादा लेना देना भी नहीं रहे मिले तो मिले नहीं मिले तो नहीं मिले इसे तो एक हमार मन के जिम्मेदारी है जो जागरूक वर्ग है जो पढ़े लिखे वर्ग है ओबीसी के ओमन अपन इसना जातिगत जनगणना पर मांग करें और सरकार जातिगत जनगणना करवाए और सर्वेक्षण करवाए जातिगत जनगणना करके तो एमा जो है शांतनु जी इतनी आप इतनी मन के जो वर्ग हवा है कितना संतुष्ट दिखा था एक चालीस प्रतिशत तो बताया गया कितना संतुष्ट हवा अभी आपके ओबीसी वर्ग संतुष्ट नहीं है क्या ये आंकड़ा सही नहीं है ये हमन जो शुरू से ओ बी सी बाहुल्य राज्य है छत्तीसगढ़ बाद आदिवासी वर्ग के जनसंख्या बत्तीस परसेंट तो ये हमन जो बोला ताथन कि पचास से पचपन परसेंट की संख्या निश्चित रूप से प्रदेश में हवा है ये आंकड़ा बिल्कुल आही अगर सही तरीके से सर्वेक्षण हो और सरकार की अगर मंशा हो तो बिल्कुल ऐसा पचास से पचपन परसेंट के आंकड़ा ओ बी सी वर्ग के आ ही ए बात में आप का बोलना चाहो दास जी काबर की सर्वेक्षण ला सही प्रकार से कराया जाए कि मांग ओबीसी वर्ग करा थे तो एमा आप मन हाँ अपन सरकार के तरफ से का एमा पक्ष आपमन रखना चाहो हमर सरकार तो पूरा ईमानदारी से ओबीसी बी वर्ग वाला लाभ मिला एक सर्वेक्षण करावा थे और हमर बड़े भैया शांतनो जी कहना है कि एमा और बढ़ाया जाए तो निश्चित रूप से आदमी कद को भी काम करते कमी कहीं कहीं निकलते तो निश्चित रूप से एमा जब भी आओ कोई कमी निकल ही वो दूर करे के सरकार पूरा प्रयास कर ही ईमानदारी से करी एम कोई संकोच नहीं है कि छत्तीसगढ़ के विकास और छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग के हित में माननीय भूपेश बघेल जी हाँ कोई कसर नहीं कम करे है तो आने वाला समय में आप एक परिणाम दिखी कि माननीय भूपेश बघेल जी कद चिंतित है पिछड़ा वर्ग के लिए निश्चित रूप से आपला अभी जब कैबिनेट के, के बैठक हो ही वह छण के रिजल्ट आई वह आप लोग सब पता चल जाए और हमार तो विपक्ष कमिल जन बताते तो निश्चित रूप से हम ओकर ध्यान करके बताते बताते हम देख चुके हैं आज हमारे पांच के पंचायती में सामाजिक नेता के रूप में शांतनु साहू जी आप हमन, मन साथ में जुड़े रहे हो तो आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद और ये चर्चा में हमारे कांग्रेस से अपन पक्ष रखे बारे दास जी हमारे साथ में जुड़े रही आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद और बता दें कि एक बार फिर छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मामला ला ले के कोनो ना कोनो वर्ग असंतुष्ट हावे और एक बार फिर क्वांटिफ़ाइबल डाटा के जो इमा रिपोर्ट सौंपे गए है वह ओ वर्ग के चालीस प्रतिशत वह करार दे गए फिर कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग में इमा संतुष्ट नहीं नजर आए उखर मन के कहना है कि छत्तीसगढ़ में पचास से पचपन प्रतिशत तक मन के जो समुदाय है वो रहा थे फिर अब देखना हो ही कि अवैया समय में जब कैबिनेट में काली बात रखी जाइए खरबार जब विधानसभा के पटल में खर बात रखी जाइए तो आगे का फैसला ही ये तो ही दिन पता चली और वैसे वैसने और पांच के पंचायती में कोनो मुद्दा ल लेकर एक बार मैं फिर आप मन के साथ में हाजिर हूं तब तक आप मन हाँ मुला इजाजत दे वो काली फिर पांच के पंचायती में नवा मुद्दा के साथ में मिलबो जय जो